बिल्कुल, लेकिन इस वाले राउंड में देखते हैं अब यहां पर क्या चीज बनती है। जब योशिमित्सु की तरफ से जो विन निकाली थी ऑलरेडी एक विन इनके हिस्से में जा तो चुकी है, लेकिन अब बात की चीजें रहेंगी। फर्स्ट टू टेन की जो रेस चल रही है काफी बेहतरीन यहाँ पर किक्स का प्रदर्शन इन्होंने किया जो है, लेकिन इनको अपने डिफेंसिस को भी देखना पड़ेगा। मॉडल के लिए डिफेंसिस थोड़े से मुश्किल हो चुके हैं, लेकिन वो अटैकिंग साइड पर अच्छा जा रहे हैं। आई थिंक ही स्टिल ट्राइंग टू गो फॉर द गुड स्पैम्स आउट देयर। और इस सबके बीच में मांबा की रेज आर्ट तैयार है, आई मीन ही स्टिल नॉट गोइंग फॉर द रेज आर्ट सिचुएशन अभी के लिए, देखेंगे अगर निकल कर आती है, बट ही स्टिल रिलाइंग ऑन द किक्स एंड बहुत बेहतरीन तरीके से दोनों तरफ से किक्स है। और ये फिर से Mamba is looking confident in any way, shape or form. और फिर से एक और मैच निकालते हैं। Mamba is going for the clean sweeps with round by round by round. लेकिन अभी तक grapple कोई भी देखने को नहीं, they're still waiting for the kicks only. I would say कि ये kicks के ऊपर ही relied है। Punches भी उतने ज़्यादा ऐसे देखने को नहीं मिले। Definitely. I mean, एक एक चीज बोलना चाहूँगा कि if Mortal loses, can he blame his coach? I hate you in every way, shape or form right now. But well, Yoshimitsu once again just going with everything. और मैं यही बोलूंगा कि मेरे को बीच में टाइमआउट के बीच में बात करने का मौका नहीं मिला। खैर, अब वापस से मांबा इस बार बहुत बेहतरीन तरीके से उसे मांबा ने गेम को होल्ड ऑन कर लिया। आप देख सकते हैं ये वाली जो विन निकल कर आई थी, मांबा ने कोई चांस नहीं दिया मॉर्टल को और बैक टू बैक उनके ऊपर चलते रहे। बट लेफ्ट साइड पर वंस अगेन मॉर्टल रहेंगे ड्रैगन ऑफ का कैरेक्टर यूज करते हुए आज, लेकिन इस बार पहला फर्स्ट ब्लड निकालते हुए मॉर्टल अपने हिस्से से और फिर से किक्स के ऊपर रिलाय करते हुए, बट ओ माय गॉड दैट वाज अ गुड वन, पैरी करने की कोशिश, बट एक बहुत अच्छा ग्रैपल, बट ग्रैपल के बाद आगे कोई चीज यहां पर नहीं करी। वंस अगेन गोइंग फॉर द स्पिनिंग किक्स इज व्हाट ही इज डूइंग, लेकिन योशिमित्सु अभी भी वंस अगेन यहां पर हेल्थ जनरेट करने का इनके पास टाइम नहीं हो सकता, इनको पता है कि इनको सिर्फ और सिर्फ आगे जाकर के सारे किक्स के ऊपर जाना है। वंस अगेन ही इज बैक टू द रेज आर्ट, बट एज ऑफ नाउ आई थिंक द गेम कैन वंस अगेन गो इन मांबास फेवर और उनके लिए 2-0 का स्कोर लाइन वो इकट्ठा कर सकते हैं इफ समथिंग कम्स ऑन टू इट। या बेसिक्स अटैक्स के साथ ही लुक एट मांबा, ही इज लाइक मैं सोते हुए खेल रहा हूं तब भी जीत रहा हूं, दैट्स वन थिंग मांबा इज डूइंग राइट। मैं खेल नहीं रहा था हार गया। बट मॉर्टल एक राउंड बहुत बेहतरीन अभी निकल कर आ सकता है जिस तरीके से। लुक एट दैट, लुक एट दैट, लुक एट व्हाट मांबा इज डूइंग, ही इज लाइक वेरी हैप्पी विद एवरीथिंग। भाई मांबा पता नहीं भाई ये कब खेला है इस गेम को, क्या मालूम यार, हम इंस्टॉल करके बैठ गए। मांबा कब खेले फुल एकदम बॉट, मैं बचपन में खेला था गाइस। Mamba is like, जब मॉर्टल आप सोते होते थे मैं गेम की प्रैक्टिस कर, क्योंकि मुझे पता था एक दिन जाके मुझे KO फाइट राइट में हराना है मॉर्टल को। In the initial stages, चाहे कोई भी गेम की बात कर ले, it all starts with the people that are playing. Johnny, yes. I want to see a sledgehammer coming. Of course, यहाँ पर sledgehammer का बहुत अच्छा इस्तेमाल mortal कर सकते हैं, but क्या वो कर पाएंगे? वो एक चीज बनती है, लेकिन triple kicks के ऊपर वापस से rely करते हुए, अब बड़े characters की बात ही आती है। आप देखिए, this is the thing. Now, Chargigan was one thing जो mortal करना चाहते हैं, but नहीं हो पाया। देखते हैं अब क्या चीज होती है। And this, would have been something different out of the ordinary. लेकिन बहुत अच्छे heavy, I would say attacks के ऊपर rely करते हुए mortal यहाँ पर आ जरूर रहे हैं, but at the end एक अच्छा dodge यहाँ पर देखने को मिलता है, and फिर से काफी अच्छे तरीके से वाइट ग्रिप हैमर रश यहां पर करने की कोशिश उनकी तरफ से आ रही है, और रेज आर्ट पर लेकर आज के मांबा को एंड सेम ही चीज स्पैम करते हुए मॉर्टल इज गेटिंग विंस। फाइनली मॉर्टल यहां पे स्टेप अप करते हुए और एक काफी अच्छा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। ब्लॉक्स देखिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। नहीं, जो नए प्लेयर्स आते हैं वो ऑफेंस पे बहुत ज्यादा फोकस कर जाते हैं, और ब्लॉकिंग एक ऐसी चीज है जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है फाइटिंग गेम्स के अंदर भी। आई मीन, हमने थोड़ी देर पहले स्ट्रीट फाइटर देखा, वहां भी हमने बात करी थी इसी बारे में, और ये हम हाई टीयर गेम्स की बात कर रहे हैं कि ब्लॉकिंग काफी ज्यादा एक इंपॉर्टेंट चीज रहती है। बट काफी लो लेकर आ गए थे, वो जो लोज थे वो वहां कनेक्ट हो रहे थे। I was wishing. Imagine अगर यहाँ पर आखिरी इंच पर भी रेजर्ट होती, कितना ज़्यादा एक डिफरेंट चीज़ होता। I'm a sucker for रेजर्ट, I'll have to say। बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर हैमर रश डालने की कोशिश, वापस से जाते हैं। मॉर्टल एक ही कॉम्बो के ऊपर जा रहे हैं, दैट्स गोइंग टू बी हैमर रश, लेकिन पीछे वापस यहाँ पर साइड स्वॉप हो चुकी है। योशिमित्सु को पीछे की तरफ को देखना पड़ेगा, मॉर्टल हल्के सा पीछे जा रहे हैं इन सब से, बट एट द एंड दिस लुक्स अमेजिंग, दिस लुक्स वे अमेजिंग द वे इज गोइंग फॉर इट, और हैमर रश यहाँ पर निकालते हुए फिर से हैमर्स के ऊपर ही आ चुके। योशिमित्सु इज आउट देयर ऑन द रेज, बट नो, मॉर्टल ये राउंड फिर से मॉर्टल के जाते हो, ये एक डिसाइडर राउंड बन जाता है मॉर्टल के लिए। सो नाउ इट जस्ट कम्स अप टू वन थिंग, व्हाट्स गोना हैपन इन ऑल द स्ट्रेटजीज। आई मीन डॉज अच्छे तरीके से कर रहे थे, बट योशिमित्सु, वी नो कि योशिमित्सु कैन गो फॉर सम चीकी प्लेस। ओ माय गॉड वंस अगेन ट्रैप्ड आउट देयर, विफ वहां पे हुआ, अटैक हल्का सा डिले किया गया मांबा के द्वारा, जो वेकअप था उनका वो वहां पे परेश हुआ। बट नो, ये जो ट्रैकर्स है ये काफी ज्यादा डेडली साबित हो रहे हैं, और देखिए अगर एक स्टेप एक्स्ट्रा पीछे ले लेते हैं ना यहाँ पे मॉडल, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। बट टाइमिंग परफेक्ट करी उन्होंने, रेज आउट, दिस इज गोइंग गुड, दिस इज लुकिंग गुड, रेज आउट कमिंग अप फ्रॉम योशिमित्सु, ओ माय गॉड,
हेल्थ बहुत ज्यादा है गेम एंडिंग सिचुएशन. ओ नो नो नो, अब क्या यहां पर ये अपने रिजल्ट पर जाएंगे? इज गोइंग टू गो फॉर इट मॉडल. ही इज आल्सो इन द गुड एरिया, ही माइट गो फॉर इट, ही इज स्टिल नॉट यूजिंग इट, ही कुड हैव यूज्ड इट. नाउ व्हाट्स गोना हैपन? वन फाइनल केओ एंड देयर इट इज. ओ 2-2. जी हां, पहले एक राउंड जीता था, अब दो राउंड निकाले. वहां पे एक चीज थी, रेज का फायदा मामा ने उठाया कि हेल्थ थोड़ा सा करीब लेकर आ गए अपने, बट मॉर्टल के पास फिर भी हेल्थ एडवांटेज बहुत बढ़िया बिल्ड किया था. और ये देखिए, ये जो अपॉर्चुनिटीज होती है ना, आप अपने अपोनेंट को बिल्कुल वल्नरेबल सिचुएशन में पकड़ते हैं, वो एक बहुत ही बेसिक चीज होती है जो आपको टेकन के बारे में सीखनी होती है, कि आपको रियलाइज करना होता है कब आपका अपोनेंट सबसे ज्यादा वल्नरेबल रहेगा, कब आपके पास एडवांटेज रहेगा. और ये चीजें आई मीन काफी बेसिक टर्म्स में अगर हमारे जो नए दर्शक है जो गेम देख रहे हैं क्योंकि मॉर्टल भी स्ट्रीम कर रहा है, और उन लोगों को बताओ कि अटैक जब आप करते हैं तो अटैक जाने का एक एनिमेशन होता है, उस टाइम पे आपका हिट बॉक्स बाहर आता है, और दूसरी चीज होती है हर्ट बॉक्स. हर्ट बॉक्स आपका तब आता है जब आपका अटैक वापस जा रहा होता है. लाइक इमेजिन कीजिए, आपने घूसा मारा तो जब आपका हाथ आगे जा रहा है और तब आप एक थ्रेट होते हैं ओपोनेंट के लिए, लेकिन जब आपका हाथ वापस आ रहा है तब आपको डैमेज पड़ता है. ये तो पड़ेगा, ये तो बहुत ज्यादा पड़ेगा. परफेक्ट एग्जीक्यूट होता है मॉडल की तरफ से, हेल्थ एडवांटेज अपने लिए गेन कर लिया. बस टाइम किल कीजिए, 7 सेकंड बचे हैं, टाइम किल कीजिए. बट लो केओ, केओ मॉर्टल, मॉर्टल विंस दिस वन. साला भैंस, क्या पेला वे यार, घुमा घुमा के पेला भाई. साउंड है यार यहाँ पे हमारे एथलीट्स की. टू सी कि क्या चल रहा था. सिर्फ होती कि मॉर्टल की बाइंड्स क्या है, तो फिर एक ही वो क्वेश्चन रहता कि दो लाते हैं तो बातें चले जाएंगे. आई टेल यू, या इफ ही हैज टू ग्रैब और समथिंग, ही गोस फॉर द स्पेस. उसके बाद यू और ओ उनके लिए किक्स के लिए यूज हो सकता है, तो वो यू यूज कर सकते हैं, ओ यूज कर सकते हैं, और दोनों का कॉम्बिनेशन यहाँ पर खैर उनको रेज आर्ट भी दिला सकता है. रेज आर्ट में तो वो आ चुके, लेट्स सी हाउ इट जस्ट गोज. आई मीन ही इज स्टिल नॉट यूजिंग इट एंड देयर इट इज. मांबा, अब उससे अगर हल्की सी मिस्टेक ना होती, एक और परफेक्ट राउंड यहाँ पे बना सकते थे. Yes, I mean, एक ना एक तो हिट तो पड़ेगा ही. ये देखिए, एक स्वीप आया वहां पे, उसके बाद एक लो के लिए जाने की कोशिश, बट वहां पर पेशेंटली वेट कर रही है. ये स्पिन किक जो है ना, ये मतलब बहुत दिक्कतें क्रिएट कर रही है. ग्रैपल काफी अच्छा क्लोज रेंज में आने के बाद, बट मॉर्टल की तरफ से लॉन्च रहा था, फिर से जाने की कोशिश, बट वो अलग मूव था, वो पावर क्रश एक बार फिर से. काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस पे आ चुके हैं अब. रेज आर्ट अवेलेबल है यहाँ पे, लेट्स सी इफ इट कनेक्ट्स एंड इट विल. फिनिश यहाँ पे मिलेगा. राउंड जाता हुआ मॉर्टल की तरफ, आखिरी सेट हो सकता है ये, बट स्टिल मॉर्टल के लिए एक चीज तो बोलना चाहूंगा, काफी 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 अच्छे से इन्होंने अडैप्ट किया. अलग अलग कैरेक्टर्स खेले और अलग अलग कैरेक्टर्स में फन के लिए खेल रहे हैं यार. फन तो करने के लिए आप अलग अलग चीजें खेलेंगे और गेम सीख भी रहे हैं धीरे धीरे, जैसे हम इंप्रूवमेंट देख रहे हैं इनकी तरफ से कॉन्स्टेंटली. I mean, have a look at one thing. अब खैर इसके अगले राउंड में डेविल स्पिट भी यहाँ पर ब्रेक हो जाएगी और फिर से वही एनिमेशन यहाँ पर देखने मिलेगा. बट लेट्स सी कि क्या यहाँ पर ये गेम बना सकते अपने लिए. नो 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 नो. मांबा फिर से गेम बना दो. डेविल स्पिट बीइंग ब्रोकन, ये एनिमेशन आती है, अब इनको फिर से फाइट आगे कैसे मिलनी पड़ेगी. देखते हैं कि अब क्या फाइट बनती है, क्या ये मांबा का आखिरी गेम होगा या फिर इस बार एडी मॉर्टल वापस से अच्छी गेम अपने लिए बनाएंगे. ही वेंट फॉर अ रेज आर्ट इन लास्ट लास्ट राउंड एज वेल, द प्रीवियस वन. बट वेल, मांबा की लातों से बचना मुश्किल हो चुका है, नामुमकिन हो चुका है. मैं बोलूं स्वीप्स कमिंग अप, हर तरीके से चकमा देने की कोशिश यहां पर बनती हुई. बट वंस अगेन मांबा हैज टू गो फॉर सम चीकी प्लेस, और यहां पर हेल्थ एडवांटेज मांबा के इस समय. रेज आर्ट वापस से बन चुके हैं इनके लिए. ही हैज टू विन एंड देयर इट इज, मांबा विनिंग अप the first to 10 with quite a lot of better journey, kyunki jab maine march mein start kiya tab se abhi tak. To swagat hai aap dono ka ek bari fir se. Hello mamba, thank you, how are you doing? Hi. Wo ta bhi very good bol. Oh, very good bol. I'm doing very good. Yeah. Mortal, aap ne itne sare characters use kiye, main pehle pehla sawal mere rahega, aapka favorite kaun sa round sab mein se? मेरे ख्याल से वो जो अभी मेरे को नाम भी नहीं मालूम उसका, तो वो कौन सा है ब्लैक वाला जो हम निंजा को यूज कर रहा था, एक वो स्प्रोन करके जो आता है एंट्री में, ड्रैगन ऑफ. ड्रैगन ऑफ, हाँ वो मेरे को कंपैरेटिवली सबसे अच्छा लगा बाकियों से. बट ड्रैगन ऑफ एक्चुअली अच्छा कैरेक्टर है अगर आप गेम स्टार्ट करें. बट मॉर्टल में आपसे जानना ये चाहूंगा कि ओशन का एक्चुअली ये सवाल था कि फर्स्ट राउंड से लेके आखिरी राउंड तक आप, हमने भी देखा कि आप थोड़ी बहुत चीजें समझ रहे थे गेम के बारे में. मांबा से तो मैं पूछूंगा नहीं, उनको गेम खेलना आता है ये. योशिमित्सु बोलते ही मैं समझ गया था, ये काफी गेम खेल चुके हैं पहले. बट आपके लिए एक नया एक्सपीरियंस था, व्हाट वाज इट लाइक? अमेजिंग था. तो मतलब वही है कि देखो मेरे को बेसिक की बाइंड्स पता थे इसके, के आई यू जे ओ एन पी, वो हम लोग का R1 L1 था.
बस मेरे को कॉम्बोज तो मेरे को बस कॉम्बोज के बारे में बिल्कुल आइडिया नहीं था, और वो उसका इस गेम का जो मैकेनिज्म है वो नहीं पता था, बट वो सब अब पता चल गया इसके आगे। तो मतलब वो जो प्रॉपर टाइमिंग पे जो दबाते हैं वो नहीं पता था मेरे को। साला मैं भी दबा रहा हूँ किक, मांबा भी दबा रहा है किक, उसका मेरे को लग रहा है मेरा उसको नहीं वो लग रहा फ्रेम रेट्स पर बात आ जाती है, वो हल्के फुल्के फ्रेम्स पर बात आ जाती है, बहुत कम बट हाँ अच्छा पता नहीं। फिर वही चीज है वो जो मेरे को अब समझ आ गई कैसे करना है या जो भी है। This fighting game mostly comes on to frames, क्योंकि कभी कभी आपने देखा होगा ending होती थी बहुत slow motion में, क्योंकि उस time आप दोनों ने same time पर frame निकाला होता था, but जिसका लगा वो वहां पर पहुंच जाता भाई, like वो छोटी मोटी चीजें वो बहुत बड़ा calculation बन जाते हैं कभी कभी। Got it, right, all right, but overall हाँ overall बहुत ज्यादा मजा आया, और आई एम प्रीटी श्योर कि ये गेम कभी स्ट्रीम पे हम लोग खेलेंगे फिर से, और नेक्स्ट टाइम मैं प्रैक्टिस करके आऊंगा, इस बार तो ऐसे ही घुस गया मैदान में जंगली शेर जैसे। well, मामा आप क्या कहना चाहेंगे आपके मामा विनर्स थॉट्स क्या है? विनर देखो देखो ऐसा था, मेरे को कोई बहुत खास नहीं पता था, मेरे को ये पता था जब मॉर्टल नॉर्मल ब्लॉक करता था ना तो मैं उसको लो मारता था, हाँ, और जब वो लोअर जो है ब्लॉक करता था तो मैं ऊपर मारता था तो उसका ब्लॉक फूट जाता था, मैं इसकी पिटाई करने ही निकल जाता था, फिर ऐसा होता था जब बताया नहीं उसको, वरना तो ये फिर अपना गार्ड जो है थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर लेता। ये बेसिक्स के बारे में ना यही चीजें मैंने ओशन को भी बताई थी कि मामा को एग्जैक्टली पता है कि काउंटर कैसे करना है। एग्जैक्टली हो ये रहा था कि मैं ब्लॉक तो बराबर कर पा रहा था क्योंकि वो आ रहा था और मैं ऐसे ही खड़ा हूँ पहले से, बट देन जब मैं अटैक के लिए जा रहा था तो इसका अटैक मुझे लग रहा था, मेरा लग ही नहीं रहा था मतलब इनिशियली, एक बार मैं कनेक्ट कर गया तो वो गया एक फ्लो में थोड़ा सा, लेकिन वो फ्लो ही मिलता ही नहीं था वो फ्लो मुझे। चलिए जैसा मॉडल आपने हमें बताया, आपने एंजॉय किया स्ट्रीम पे, आप कभी टेकन 7 खेलेंगे हम लोग भी जुड़ेंगे आपके साथ, उम्मीद रहेंगे कि जल्दी हो वो भी। अपना समय देने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, उम्मीद होगी फिर से जल्दी मुलाकात हो। मॉडल ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, मामा कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन द विक्ट्री डोमिनेशन के लिए, फिर से मिलेंगे एक बार फ्यूचर में, तब तक के लिए थैंक यू थैंक यू, बाय 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 बाय।